प्रीता? 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 क्या हो गया इससे? डॉक्टर को फोन कीजिए, मैं करता हूँ। मम्मी जी, सच में? रियली? क्या सच में? आप लोग हंस क्यों रहे हो? तू अब भी नहीं समझा। पगली, तू बाप बनने वाला है। और मैं दादी। प्रीता इज प्रेग्नेंट। सॉरी। Congratulations, बेटा। तुझे पता है मेरी वेडिंग एनिवर्सरी थी और शर्लिन के साथ बिल्कुल ऐसा ही हुआ था। पहले चक्कर आए थे, उसके बाद उल्टियां हुई थी और वही सिम्टम्स तुम्हें भी आज हो रहे हैं। इसका मतलब समझती हो ना? मामी जी, लेकिन आप इतनी श्योर, आप श्योर हैं? आप इतनी श्योर कैसे हैं? कृतिका पुत्र, क्योंकि सेम चीज मुझे भी हुई थी। तुझे पता है, जब किसी भी लड़की की कोख फाटती है तो उसके चेहरे पे एक अलग सी चमक आती है। और देख, इसका चेहरा देख कितना चमक रहा है। और ये चमक एक नई जिंदगी की चमक है। कितनी खूबसूरत सी चमक है, माँ बनने की खूबसूरती। मेरी बहू राखी का अंदाजा कभी भी गलत नहीं होता। करीना, तुझे याद है तेरे साथ भी यही हुआ था? अरे उस दिन घर में पूजा हो रही थी और तुझे चक्कर आया और तू सीढ़ियों से गिर गई और पता चला कि तू प्रेग्नेंट है। याद है ना? बधाई हो राखी, बधाई हो। इधर आओ, गले लगो। बधाई हो। मम्मी जी, आपको भी बधाई हो, ढेर सारी बधाइयां हो। तू दादी बनने वाली है और मैं पर दादी। मम्मी जी, आज ऐसा लगता है कि इस घर की कुंडली भाग्य की एक नई शुरुआत होने जा रही है। Congratulations भाभी। Congratulations दी। शर्लिन पुत्र, तू मुझे गिफ्ट देना चाहती थी, लेकिन देख प्रीता ने बिन मांगे ही मुझे गिफ्ट दे दिया। थैंक यू पुत्र। चलो, मैं जाके महेश को खुशखबरी सुनाती हूँ। मॉम, मैं भी आपके साथ चलती हूँ। भाई ये गुड न्यूज़ सुन के खुशी से पागल हो जाएंगे। अरे नहीं, पागल तो अब है। 3 महीने अपने आप को कमरे में बंद कर रखा था। अब सुन के तो उसका पागलपन भाग जाएगा। चल चल चल, चल। और मैं जा रही हूँ सरला जी को बताने। और खबरदार, जो तुम दोनों में से किसी ने भी सरला जी को ये बात मुझसे पहले बताई, क्योंकि ये हक तो सिर्फ मेरा बनता है। एक होने वाली दादी, एक होने वाली नानी को ये खुशखबरी बताएगी। मैं भी जाके खुशखबरी गिरीश को देकर आती हूँ। मेरा मतलब है, गिरीश को एक गुड न्यूज देती हूँ और मिठाई मंगाती हूँ। वी हैव टू सेलिब्रेट, राइट? भाई इसका मतलब मैं बुआ बनने वाली हूँ। I'm so happy। अब होने वाली बुआ पृथ्वी जी को ये गुड न्यूज़ देके आती है। ओके? एक बार कंफर्म मुझे नहीं देखना। काम का होगा। ये लो, अभी अभी तुमने इतना सारा काम शुरू किया है, कोई अर्जेंट कॉल हो सकता है। मैं यहीं हूँ। अभी आ। क्या बात है जानकी जी, घूरती रहोगी, अंदर आने के लिए नहीं कहोगी? क्या हुआ जानकी, कौन है? राखी जी। राखी जी आप यहाँ क्यों खड़ी हैं? आइए ना, पानी लेकर आइए। आइए राखी जी, आइए आइए, आपका ही घर है, आइए ना। माँ, आपके मोबाइल में नेटवर्क आ रहा है क्या? मेरे मोबाइल। कैसी हो बेटा? राखी आंटी, आप ठीक तो है ना? सृष्टि, सॉरी, आपको असल में इतने दिनों बाद अपने घर में देख के बहुत अच्छा लगा। कैसी है तबीयत? मैं अच्छी। आप पानी पीजिए ना। ये नहीं सरला जी, आप बाकी सब घर में सब ठीक है? बहन जी, आप ना हमेशा हंसते रहते थे और आजकल बिल्कुल मायूस मायूस रहते हो, चंगा नहीं लगता, ऐसा क्यों? बात ही कुछ ऐसी है, बाहर जाने का मन ही नहीं करता, इसलिए कहीं भी आती जाती नहीं हूँ, लेकिन कुछ ऐसी बात हो गई इसलिए आना ही पड़ा। खास करके जब करण और प्रीता की बात हो तो आना तो होगा ही ना। अब करण और प्रीता ठीक है ना? सरला जी विश्वास कीजिए, मुझे तो पता ही नहीं चला, आज करण ने जोर से चिल्ला दिया तो जाके पता चला। करण ने जोर से चिल्लाया प्रीता पर? क्यों? सरला जी, जी प्रीता का वजन दिन ब दिन बहुत बढ़ रहा है और आप तो जानती है ना, एक बार लड़कियों का वजन जब बढ़ता है बढ़ते ही चले जाता है। वो कहते हैं ना, शादी के बाद लड़कियों का वजन तो बढ़ता ही है। मैंने ना एक फिल्म देखी थी, उसमें ना लड़के ने अपनी पत्नी को छोड़ दिया क्योंकि उसका वजन बढ़ गया था। एक मिनट जानकी आंटी, राखी आंटी, हमें पता है कि आपका बेटा दी करण लूथरा बहुत ही फेमस है, बहुत बड़े क्रिकेटर हैं, लेकिन अगर दी का थोड़ा बहुत वजन बढ़ गया तो जीजू को इससे प्रॉब्लम क्यों होनी चाहिए? मेरे को समझ में नहीं। तुम लोग दोनों चुप करो, कुछ भी बोलते जा रहे हो जो मुँह में आ रहा है। आप ना इनकी बातों पर ध्यान मत दीजिए, आप बताइए कि आखिर बात क्या है। भाई गुरु, मैं समझ गई। राखी जी, आप साफ साफ क्यों नहीं बोलते कि आपके करण का किसी लड़की के साथ लफड़ा सफड़ा चल रहा है, इसलिए वो हमारी प्रीता में कमी ढूंढ रहा है। देखो जी, साड़ी प्रीता है ना, सबसे जहां में सबसे सोनी कोरी चिट्टी, सोने नाक नक्शक, जैसे जैसे उसकी सूरत वैसी उसकी सीरत, संस्कारी शरीफ, ऐसी लड़की उसको कहीं नहीं मिलेगी। बस कर जानकी, मुझे तो समझ में नहीं आता कि आलतू फालतू फिल्में देखती रहती है तो टीवी पे है। तेरा ना केबल कनेक्शन है ना, वो कटवा दूंगी मैं। ना पंजी, मैं तो इंग्लिश पिक्चर देखती हूँ। इंग्लिश पिक्चर कोई फालतू होती है? ओ एक मिनट, आपको इंग्लिश आती है? अरे तो जो दिख रहा होता उससे बंदा अपने आप। बस करो, बस करो, राखी जी के सामने तमाशा मत शुरू करो। राखी जी, ये लोग कुछ भी बोलते रहेंगे। आप, मैं जानती हूँ करण को कि वो कभी ऐसा, लेकिन अगर उसने सच में ऐसा कुछ किया है ना, तो यकीन मानिए मैं आपका भी लिहाज नहीं करूँगी। अगर प्रीता की आंखों में जरा सा भी एक आंसू भी आया ना, तो मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। मैं उसे सच में एक इतनी जोर से थप्पड़ मारूंगी ना, वो मेरी बेटी के साथ ऐसा कर नहीं सकता है। बस आप हंस रही हैं राखी जी? बहन जी हंस पड़ी, देखा मैंने बहन जी को हंसा दिया, लेकिन मैं तो पहले भी हंस रही थी। अच्छा, आप क्यों हंस रही हैं? आप मुझे बताइए, मेरा दिल बैठा जा रहा है। और आप? सरला जी, डरने की कोई जरूरत नहीं है, आपने तो मुझे डरा ही दिया था। आप डर गई? हाँ जी, आप इतना अच्छा मजाक कर लेते हो, आपने तो 3 महीने की कसर एक साथ ही निकाल दी। चलो जी, वेरी गुड। नहीं, एक मिनट, आप मुझे बताइए आप क्यों हंस रही थी, आप किस लिए आई हैं और करण प्रीता पर क्यों चिल्लाया था? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं आपको समझाती हूँ। इसके पहले जो बात मैंने आपसे कही थी वो बिल्कुल सच कही थी कि प्रीता का वजन बढ़ रहा है, लेकिन उसके आगे जो बात कहने वाली हूँ वो मैंने तब नहीं कही थी, सो अब कह लेती हूँ। सरला जी, अब है ना सृष्टि के अलावा एक और बच्चा आने वाला है जो आपको बहुत परेशान करेगा। मुझे न माँ न मोम न मोमा वो सब नहीं बोलेगा। पता है क्या बोलेगा आपको? नानी। मैं माँ से बोलने वाली हूँ। मैं माँ से ओए भगवान जी, ओए भगवान जी, अरे एक मिनट, अरे मम्मा, माँ से, ओह माय गॉड, माय गॉड। आपने तो मेरा दिल ही खुश कर दिया। प्रीता माँ बनने वाली है, करण बाप। ओह मैं मीठा लेकर आता। अरे ऐसे हो सकता है कि होने वाली दादी होने वाली नानी के घर खाली हाथ आए? मैं मिठाई अपने साथ ले आई हूँ। बधाई हो, लाखों करोड़ों की बधाई हो। आपको भी बहुत बहुत। होने वाली मासी, कांग्रेचुलेशन जानकी जी, बधाइयाँ हो। इतनी चंगी खबर सुनाई है। आपको भी मुझे मीठा मिलता है ना? राखी जी, प्रीता ने तो मुझे बताया ही नहीं। कैसे बताते? क्योंकि मैंने दोनों बच्चों को मना कर दिया था कि सरला जी को फोन करके कोई कुछ नहीं बताएगा जब तक कि मैं वहाँ खुद ना जाऊँ। मैं चाहती थी कि होने वाली दादी होने वाली नानी को ये खुशखबरी खुद बताए। सो आ गई आपके पास। अच्छा, अब एक और बात। आज शाम को हमारे घर पे पार्टी है। मम्मी जी का बर्थडे तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ जो नन्ना मुन्ना छोटा मेहमान हमारे घर में आने वाला है, उसकी भी तो खुशी मनानी है कि नहीं? बिल्कुल मनानी है। आप सबको आना है। हम लोग जरूर मनाने आएंगे। आप नहीं भी बुलाती ना तो भी आ जाते। और अपने हाथों से मीठा भी बना के लेकर आऊंगी, प्रीता के लिए, करण के लिए और मेरे लिए, सबके लिए। सच कहूँ सरला जी, इन 3 महीनों में मैं टूट चुकी थी, लेकिन प्रीता ने इतनी बड़ी खुशखबरी दी, दिल जीत लिया। एक बार फिर जिंदगी जीने का मन करता है अपने बच्चों के लिए। तो अब मैं चलती हूँ जी, और आज शाम को आपको जरूर आना है। जरूर आएंगे। होने वाली मासी तैयारियां कर ले। चलो बाय। नमस्ते जानकी जी। अरे मम्मा, खुशी का मौका है, रोने की क्या जरूरत है? इसे बांध के रखना, खोलना मत। अरे वाह, ये क्या हो रहा है? काला धागा बांध लो ताकि किसी की भी बुरी नजर इससे ना लगे। एक बात और, ये माँ बनने वाली है, और अगर तूने इसे परेशान किया ना पुत्र, तो तुझे मैं मुर्गा बना दूंगी और बहुत मारूंगी। मतलब? हाँ, समझा? गुड बॉय। ये घर में सबको हो क्या गया? सब इतने खुश हैं। और तुम टेंशन में क्यों दिख रही हो मुझे? करण, मैं सोच रही थी कि एक बार टेस्ट करके कंफर्म कर लेते हैं कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। तुम प्रेग्नेंट हो, ओके? बट फिर भी एक बार कंफर्म कर लेते हैं ना? कर लेंगे, वो भी कर लेंगे, टेस्ट भी कर लेंगे। सबने कहा ना तुम्हें खुश रहना चाहिए, तो खुश रहो, बी हैप्पी, स्माइल। हबीबी, कैसी हो बेबी? हेलो, हाय छोड़ो, तुम्हारी फेवरेट वाइफ प्रेग्नेंट है। बकवास बंद करो, और अगर मजाक कर रही हो ना तो बिल्कुल मत करो। समझ में आया? ये कैसे मुमकिन है? पॉसिबल ही नहीं है। शादी वाले दिन सुहागरात से पहले मैं दुबई आ गया, करीना आंटी के बोलने पे, उनका इवेंट बिजनेस जो है वो हैंडल करने के लिए। ना मैंने सुहागरात मनाई ना हनीमून। तो फिर मेरी बीवी कृति प्रेग्नेंट कैसे हो सकती है? और अगर वाकई में प्रेग्नेंट हो गई है तो जान ले लूंगा उसकी मैं। मैं कृतिका की नहीं, प्रीता की बात कर रही हूँ। सॉरी बेबी। तुम क्यों सॉरी बोल रही हो? प्रेग्नेंट तो प्रीता जी है ना। मैं सॉरी इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैंने तुम्हें दुबई भेजा है, करीना बोले नहीं, सिर्फ उनके मुंह से बुलवाया था मैंने। What? तो वो तुम थी, तुम्हारी वजह से मैं यहाँ दुबई में 3 महीनों से सड़ रहा हूँ, वल्ला हबीबी कर रहा हूँ। वो तुम थी, क्यों किया तुम? क्यों किया? अब समझ में आया क्यों किया, क्योंकि तुम नहीं चाहती थी कि मैं कृति के साथ सुहाग रात मनाऊं, राइट? ऑफ कोर्स नहीं होने देना चाहती थी, क्योंकि मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि कृतिका से दूर रहना। तुम तो जानती हो ना कि मैं तुम्हारे लिए कितनी पजेसिव हूँ। जानता हूँ। इसके होल्ड करो। नहीं, मेरी बात सुनो। I hate you, मूर्खों की महारानी। I hate you। तेरी वजह से ना मेरी जवानी बर्बाद हो रही है यहाँ पर। क्या नहीं है मेरे पास? क्या नहीं है? Look at me, सब कुछ है मेरे पास। 2 शादियां हो रखी है। 2 कैसे? वो ऐसे। एक फुल ऑफिशियल शादी कृति के साथ, आधी शादी इसके साथ शर्लिन बेबी के साथ, और आधी शादी मेरी तरफ से प्रीता जी के साथ। मतलब 3 अधूरी पूरी बीवियों के होने के बावजूद मैं यहाँ दुबई में सड़ रहा हूँ, बस फोन पे और लैपटॉप पे रिश्ता निभा रहा हूँ। वहां पूरी घरवाली होल्ड पे, यहाँ आधी घरवाली होल्ड पे। कमाल है यार। हाय कृति, कैसी हो? क्या स्पॉट? मेरे पास ना आपको देने के लिए एक बहुत ही ऑसम सी न्यूज़ है। मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, इससे बड़ी गुड न्यूज़ और क्या हो सकती है? ओह गॉड, दूसरी लाइन पे पहली आधी घरवाली होल्ड पे है। क्या करूँ? आप भी ना। एनीवेज, आपको न्यूज़ नहीं सुननी क्या? Guess what? हमारे घर में एक बहुत ही प्यारा सा क्यूट सा मेहमान आने वाला है। हाँ पता है, करण और प्रीता जी का। आपको कैसे पता? मैंने तो नहीं बताया। प्रीति, कम ऑन यार, कॉमन सेंस की बात है ना। जरा सोचो, जिस दिन हमारी शादी हुई थी उसी दिन ऋषभ जी कहाँ चले गए? लंदन। मैं कहाँ चला गया? दुबई। करीना आंटी के बोलने पे, वो भी सुहागरात से पहले। और वो समीर बैचलर है, तो बचा कौन? करण और प्रीता जी। क्या बात है, आप तो बड़े स्मार्ट हैं। थैंक यू। बेबी, आई एम सो सॉरी। बिना बताए होल्ड पे रख दिया। अर्जुन कॉल आ गया था ऑफिस से, इसी वजह से तुम्हें होल्ड पे रखा था। कृतिका से बात कर रहे हो ना? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। ये कैसी बात कर रही हो तुम? अरे आरती, क्या कर रही हो? फोन उठाओ ना प्लीज। अरे आरती, फोन क्यों नहीं उठा रहा हूँ? मैं इतनी एक्साइटेड हूँ आपको डिस्टर्ब करना है। फोन देता हूँ। क्या कर रही है तू? अरे ना कट क्यों किया? अरे अभी जाकर वहां पर कर लेना ना उससे बात, ही जितना प्यार करना है। अभी फोन लगा रही, चल जल्दी चल। मामा, आपका ना मुझे तो समझ में ही नहीं आता। अरे इतनी बड़ी बात, इतनी बड़ी खुशी आप दिल में दबा के कैसे रख सकते हो? मेरा तो मन कर रहा है कि मैं भी फोन में घुस के दी के घर चली जाऊं और उनको हक कर लूं। मेरा भी यही मन कर रहा है। मेरा मन कर रहा है कि कुछ जादू हो जाए और वो मेरे सामने आ जाए। तुझे मैं बता भी नहीं सकती कि एक माँ को कितनी खुशी होती है जब उसे ये पता चलता है कि जिस बच्चे को उसने 9 महीने अपने पेट पे रखा है, जिस बच्चे को वो हमेशा अपने छोटा सा प्यारा सा बच्चा समझती, उसकी जिंदगी में एक छोटा बच्चा आने वाला। तू समझ ही नहीं सकती कि अपने बच्चे को दुलार करने के लिए मेरा मन कितना तरस है। मेरा मन कर रहा है कि मैं भाग के जाऊँ, प्रीता का चेहरा अपने हाथों में ले लूँ, उसको इतना चूमूं, उसको इतनी दुआएं दूं। मेरा मन कर रहा है बस मैं भाग कर उसे। क्यों इमोशनल हो रहे हो माँ? पैजी का तो वो हाल हो रहा है जैसे फिल्मों में नहीं होता, जब नानी बनने वाली होती है तो एक अलग से उनके अंदर जज्बात जागते हैं। एक मिनट, इंग्लिश मूवीज में भी जब कोई नानी बनने वाला होता है तो वो ऐसे बिहेव करता है। हाँ तो क्या हुआ, अंग्रेजों में क्या जज्बात नहीं होते? बस करो, तुम दोनों लड़ो मत, आज मत लड़ो। सुन, मैं जाके ऑटो रोकती हूँ, तू वहाँ से वो गिफ्ट उठा और तू ताला चाबी लेकर जल्दी लॉक करके बाहर मिलो मुझे, जल्दी। मैं गिफ्ट उठाती हूँ, हाँ जल्दी करो। हेलो गॉड, एक बात पक्की है कि ये मेरी पोस्ट जवानी भी बर्बाद कर देगी। कृति, सो सॉरी, ऑफिस से, हेड ऑफिस से एक अर्जेंट कॉल आ गया था। इट्स ओके पृथ्वी जी। क्या हुआ, चुप क्यों हो गई तुम? पृथ्वी जी आपसे एक बात कहूँ, मुझे ना ये शर्लिन अब कुछ खास पसंद नहीं आती है। आई मीन मैंने अभी अभी देखा कि वो फोन पे बात कर रही थी एंड आई एम श्योर वो ऋषभ भैया से बात कर रही थी। मैं था, ऋषभ नहीं, मैं फंस गया ना उस शर्लिन के चक्कर में पड़ के। पर इतने गुस्से में इतनी बदतमीजी से बात कर रही थी, मैं क्या बताऊँ। ऐसे वो बात करता है क्या? आई डोंट लाइक हर। नहीं बोलते ऐसा कृति, भाभी है वो तुम्हारी। पृथ्वी जी आप उसकी वकालत करना बंद करेंगे प्लीज? मैंने पहले भी कहा था आपको उसकी वकालत मत किया कीजिए। आप जब उसकी वकालत करते हैं ना, मुझे आप भी पसंद नहीं आते। हेलो, काट दिया, इसने भी फोन काट दिया। मैं बेचारा 1.5 पत्नियों का मारा, ये दोनों आधी घरवाली पूरी घरवाली मुझे कच्चा चबा जाएंगी। सही कहते हैं लोग ना, सही कहते हैं, वो कहावत है ना, धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का।